अगर आप लोगों के पास बुक है तो ठीक है, पास में लेकर बैठिए। अगर बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, पास में कॉपी लेकर बैठ सकते हैं। आज तो ज़्यादा ऐसा पढ़ाई नहीं होगा, डेमो क्लास होगा कि किस तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा डेमो मिलेगा और कैसे ख़त्म करना है ये मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पहले ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 महीना में, 2-3 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा, और 1 महीने मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीने में ये खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग मई जो मंथ है उस मंथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग मैथ्स पढ़ने के लिए बैठेंगे या फिर कोई भी मैथ्स का एग्जाम क्लियर करना है, तो उसमें आपको ये देखना है आप लोगों को कि कितने टाइम आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन कौन सा मतलब मैथ्स है जो आप लोग खुद से कर पा रहे हैं, ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर ले कि इसमें है क्या, ये कैलकुलस है। 1 मिनट, मैं पीडीएफ में ही लिख रही हूँ, और ये पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा क्लास के बाद। ये है BMTC 131। शो हो रहा है ना सभी एकदम क्लियरली? BMTC 131 कैलकुलस है ये। अगर दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आवाज़ कट हो रहा है, क्योंकि ये टाइम में नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मैसेज करेंगे तो देख नहीं पाऊंगी, आप लोगों को माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी यही बोर्ड ही दिख रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, माइक ऑन करना है और उसके बाद बताना है कि आवाज़ नहीं आ रही है या फिर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। BMTC 131 कैलकुलस में है, यूनिट 1 टू 16 है। मेनली जो कैलकुलस है वो स्टार्ट होता है यूनिट 7 से, ठीक है। यूनिट 7 से लिमिट से स्टार्ट होता है। उसके पहले जो है उसके पहले 1 में थोड़ा सा सेट के बारे में बताया गया है, यूनिट 1 में, ठीक है। 2 में जियोमेट्री के बारे में है, 2 में फंक्शन है, 3 में जियोमेट्री है, 4 में है कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और उसके बाद 5 में है पॉलिनोमियल। मतलब यूनिट 1 को देखेंगे तो ये सेट सेट के बारे में है जो एलजेब्रा से है, एलजेब्रा है, ठीक है। मतलब ये कैलकुलस पढ़ने में जो लगेगा आप लोगों को, ये यहाँ पर बताया जाएगा। यूनिट 1 में एलजेब्रा से है, यूनिट 1 एंड 2 जो है फंक्शन, फंक्शन भी हम एलजेब्रा में ही देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में ही सेट सेट एंड फंक्शन का एक चैप्टर रहता है। उसके बाद यूनिट 1 2 हो गया, यूनिट 3 होता है, यूनिट 3 में ज्योमेट्री रहता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, वो ज्योमेट्री रहता है। यूनिट 4 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हम एलजेब्रा से ही देखते हैं, क्लासिकल एलजेब्रा, और ये होता है एलिमेंट्री एलजेब्रा ही क्लासिकल एलजेब्रा है, और ये जो होता है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा होता है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट से है, ये आ गया क्लासिकल से या फिर एलिमेंट्री एलजेब्रा से। उसके बाद यूनिट 5 भी एलिमेंट्री एलजेब्रा से आता है, यूनिट 5 जो है ये पॉली इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, पॉलिनोमियल के बारे में है। थियोरी ऑफ इक्वेशन का चैप्टर थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है, मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, मतलब इक्वेशंस का भी, पॉलिनोमियल इक्वेशंस का ही चैप्टर है, ठीक है। तो यूनिट एंड उसके बाद यूनिट 6 में जो है, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर जो है ये रियल एनालिसिस से है। तो यूनिट 7 जो उसके बाद स्टार्ट होता है, वहां से कैलकुलस है, मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। उसके बाद होगा आपका डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यही मेन कैलकुलस है। पर ये जो चैप्टर्स है यूनिट 1 से यूनिट 6 तक, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर्स भी अच्छे से हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 1 सेट, ठीक है। एक मिनट, बुक को ओपन कर लेते हैं। सेट एंड ऑपरेशन ऑन देम, ठीक
ठीक है, यूनिट वन में क्या है, सेट है, सेट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सेट तो आप लोगों का अगर पता है, मतलब आप लोग अगर पढ़े होंगे 11th एंड 12th में, अगर मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में आप लोगों का 12th अगर क्लियर हुआ हो, 5 ईयर अगर हो गया है या उससे ज़्यादा, तब तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी उसको ही मतलब रिमाइंड करने के लिए ये दिया गया है। सेट किसे कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत आते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हम क्या सोचते हैं कि जो जो भी मतलब कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए कोई नंबर का ही कलेक्शन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर हम नंबर से लिखेंगे, या फिर हमें बताना है कि मतलब सभी स्टूडेंट जो इग्नू में पढ़ते हैं, ठीक है, उसका एक सेट हो गया, मतलब वहां पर स्टूडेंट्स का सेट हो गया। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि मान लीजिए एक नंबर हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर 7 नंबर हो गया, उसके बाद दिया जाता है इग्नू या फिर कोई एक यूनिवर्सिटी या फिर ऐसा कुछ नाम, एंड यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग का नाम दिया जाता है या फिर कुछ और, √3 या फिर 0.5, ऐसे करके कॉम्बिनेशन में दिया जाता है नंबर्स एंड ह्यूमन बीइंग या फिर यूनिवर्सिटीज के नाम। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो क्या होता है कि हम कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको सेट बोलेंगे या नहीं। ठीक है, तो इसमें से इन मतलब यही इसी तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है और बोलता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे क्वेश्चन मिलता ही है, मतलब हर एक ईयर में अगर नहीं मिलेगा तो ये 5 ईयर्स देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लेना है। प्रीवियस ईयर जो है वो 2000 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ है, हाँ, और अभी तक मतलब अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ दिसंबर 2023 तक, तो सभी पेपर डाउनलोड कर लेना है, उनमें से मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, तो ये इसको कैसे करना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कैच है, जो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट जो है वो वेल डिफाइंड है, तो इसलिए ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन हमें यहाँ पर याद रखना है, याद रखना है मतलब कोई भी एक ऐसा सेट दिया जाएगा, वो सेट है या नहीं ये आपको बताना होगा ट्रू एंड फॉल्स में। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सेट है या नहीं, वहाँ से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए देखिए क्या है, द सेट ऑफ नेचर नंबर। ठीक है, नेचर नंबर क्या है, आप लोग का मतलब 12th कब खत्म हुआ ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता रही हूँ, अगर भूल गए होंगे तो, बाकी तो ये 9th में ही सिखा देते हैं कि नेचर नंबर क्या होता है, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी जितने हम नंबर्स जो है वो हम गिन सकते हैं। ठीक है, वो सभी क्या हो रहा है, वो सभी क्या नेचर नंबर हो रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, ये आप लोग पूछ सकते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, देखिए किसको किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर मतलब जेड। ठीक है, जेड इंटीजर को डिनोट कर रहे हैं जेड से, इसका मतलब 0 से इस साइड में, ठीक है, इस साइड में माइनस इन्फिनिटी तक और इस साइड में प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस में जितने नंबर से एंड उसके साथ माइनस में जितने नंबर से, उन सभी नंबर्स को जो मतलब उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, जिसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, और विथ 0 मतलब 1 के साथ अगर 0 हो जाए तो उसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर सॉरी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर क्या है, जिसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर बी नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सभी तो ये मतलब ये नेचर नंबर भी आ रहे हैं, जेड भी आ रहे हैं, और मान लीजिए 1 एंड 2 के बीच में जो इन्फाइनाइट नंबर्स है, मतलब
1/3, 2/5, मतलब ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, या फिर 2 एंड 3 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में, जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को लेकर क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि रूट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मतलब आर, वो जो क्यू था उसके साथ इरेशनल नंबर भी हो गया, मतलब ज्वाइन हो गया, वो सभी नंबर को मिलाकर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल आर मतलब रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स है हम मतलब जितने भी नंबर्स को हम देख सकते हैं या फिर इमेजिन कर सकते हैं, वो सभी नंबर्स क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या आ रहा है, अगर x² + 1 = 0, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो x = √(-1) आ जाएगा। -1 का तो रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो √(-1) को हम एक इमेजिनरी नंबर आई मान लेंगे, और आई के साथ साथ मतलब और एक नंबर्स का सेट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक, तो ये सभी हो गया सेट, सभी मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सभी को डिफाइन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सेट कह रहे हैं। व्हिच ऑफ द कलेक्शन मेंशन बिलो आर सेट, कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, ये होमवर्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे हम कर रहे हैं, 1 एंड 2 ये होमवर्क है। थोड़ा सा बता देते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इंटरेस्टेड इन कबाडी। ठीक है, कौन से पीपल को कबाडी में इंटरेस्ट है, हमें हमें मतलब हम देख कर ये बता रहे हैं कि हाँ उसको तो कबाडी में इंटरेस्ट है, तो उसको नहीं भी हो सकता है। तो ये इसको इंटरेस्ट मतलब जहां पर भी एडजेक्टिव मिलेगा ना, वो सभी नहीं हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव बीन टू मार्स, जो मार्स में हो सकता है, जैसे कि हम अर्थ में पीपल है वहां पर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर है तो वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर जो भी पीपल मार्स में होंगे उन सभी पीपल का कलेक्शन। अगर मार्स में कुछ पीपल होंगे तो उसका तो एक सेट बनेगा, अगर मतलब कोई इंसान नहीं है तो वो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक सेट तो है ना, तो ये सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमें पता है, जो भी नंबर 1 एंड उसी नंबर से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये एक मैम, जी बताइए। दिस इज ऑल्सो सेट। हाँ, ये भी एक सेट हो जाएगा। तो ये होमवर्क है, मतलब समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से पढ़ाई होगा। ठीक है, मतलब एक डेमो मिल गया है आप लोगों को कि किस तरीके से पढ़ाई हो सकता है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि आप लोगों को जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद इसके साथ मतलब हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब प्रीवियस ईयर में जो जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया जाएगा। और उसके बाद भी आप लोग को और कोई भी बुक से भी सभी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करवा दिया जाएगा। आप लोग को होमवर्क देंगे, वहां से जो भी क्वेश्चंस नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है, वो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में मैं कर दूंगी। मतलब जो जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे वो सभी हो जाएगा बुक में, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी यूनिट का या फिर सभी ईयर्स का, वो सभी करवाएंगे और आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे ऐसे पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, और पूरा बुक ऐसे ही क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं पहले फी लेती हूँ, उसके बाद क्लास में ज्वाइन करवाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग फी पे कर दीजिएगा, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग फी पे कर दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास होगा थर्ड को। ठीक है, तो कब कब क्लास होगा ये बता रहे हैं। ठीक है, किसी को तो क्लास में ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्लास को रिकॉर्ड कैसे करेंगे और लाइव मतलब रिकॉर्डेड क्लास कैसे मिलेगा, सभी को रिकॉर्डेड क्लास ही चाहिए हो रहा है। फिर भी किसी किसी को अगर टाइम मिला तो मतलब क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो आज कौन सी बार, एक मिनट, डेट कौन सी है, थर्सडे। तो ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे एंड सैटरडे,
सैटरडे 6 PM को क्लास होगा, ये 3 दिन, ठीक है। 3 मंथ्स में तो ये खत्म हो जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि 3 महीने में, इन 3 मंथ्स में ये खत्म कर दूंगी। और 6 PM to 7 PM क्लास होगा, ठीक है, 6 PM to 7 PM। उसके बाद दूसरा क्लास होगा, तो 1 घंटे का क्लास होगा 3 महीने में, या फिर उससे ज्यादा भी टाइम लगा तो वो भी करवाएंगे। मतलब पूरा फुल कोर्स मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ा वो भी देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा वो भी देंगे, और आप लोगों को यहाँ पर डाउट क्लास भी मिलेगा। उसके बाद मतलब पूरा कोर्स खत्म हो जाने के बाद आप लोग जब पढ़ाई करेंगे तब भी, मतलब जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, वो सभी सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे जितना बोलना था वो तो मैंने बता दिया, और उसके बाद आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पर। मैम रिकॉर्डेड क्लासेस लेंगे तो डाउट कैसे सॉल्व होंगे? पहले तो रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को सेंड कर देंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास देखकर आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जो भी मतलब अप्रैल में तो वो खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोगों को अप्रैल तक ही मिलेगा, मतलब उसमें से सभी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो जो भी मतलब डेट रखेंगे, आप लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, मतलब तब रिकॉर्डेड क्लास का एंड लाइव क्लास का, ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और आप लोगों को मैसेज करेंगे वहां पर। सभी ऐसे ही मतलब ऐसे ही किए थे हम इससे पहले जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास तो तब नहीं था, लाइव क्लास ही था, तो रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लास का एक ही मतलब व्हाट्सएप ग्रुप रखेंगे, और वहां पर क्या करेंगे आप लोग बताएंगे कि इसमें इसमें प्रॉब्लम है, और एक डेट बताएंगे आप लोगों को कि इस डेट में इस टाइम में क्लास होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तब आप लोगों का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा कि इस टाइम में नहीं हो पाएगा तो दूसरा टाइम देकर वहां पर क्लास लेकर मतलब सभी जो डाउट होगा वो